करेंगे पोर्टला का और पार्सलिन की। ये गर्मी वाला पौधा होता है, गर्मियों में फुल ब्लूमिंग करता है ये पौधा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है पार्सलिन। ज़्यादातर लोगों के साथ ही समस्या आ जाती है कि उनके पार्सलिन में ब्लूमिंग नहीं हो रही, तो मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगी कि घर में जो आपकी चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से आप अपने पौधों में फुल ब्लूमिंग कैसे करवा सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं पार्सलिन या पोर्टला का दोनों के लिए। पहला टिप्स ये होता है कि अगर आपके पास पुरानी पार्सलिन है तो उसे दूसरे पॉट में शिफ्ट ज़रूर करें। इसका सीजन आए तो इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करें और इसके लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद का लें। ये इसके लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर होता है। ऐसा ही सॉइल मिक्सचर आपको पोर्टलाका के लिए भी बनाना है। तो आप इसको कटिंग से शिफ्ट करते हैं तो इसमें नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी कलियाँ आ जाती हैं और इसमें बहुत सारी ब्लूमिंग होने लगती है। इससे भी ज़्यादा ब्लूमिंग करवाने के लिए इनके पुराने फूलों को हटाते रहें तो उसमें और भी ज़्यादा ब्लूमिंग होती रहेगी। बात कर लेते हैं मॉस रोज पोर्टलाका या नौबजिया के बारे में। इसका भी सीजन चल रहा है, इसमें भी इस समय फुल ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन किसी किसी के पौधे में फुल ब्लूमिंग नहीं हो रही है। तो मैं पार्सलिन और पोर्टलाका के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो आप डालेंगे तो दूसरे दिन सुबह जब उठेंगे तो इसमें बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे आपको। जब भी इन पौधों को रखें तो इन्हें फुल सनलाइट में ही रखें। जब इनकी कटिंग लगाएं तो दो चार दिन इन्हें शेड में रखें। जब इनकी कटिंग्स ग्रो होने लगे तो इन्हें फुल सनलाइट में रख दें। फुल सनलाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इनके फुल ब्लूमिंग के लिए फुल सनलाइट में रखना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सैक्यूलेंट फैमिली का पौधा होता है तो इसमें पानी कम ही मात्रा में दिया जाता है, बस इतना कि इनके पॉट में नमी बनी रहे। आइए बात कर लेते हैं कि इसको ऐसा क्या देना है जो इसमें फुल ब्लूमिंग करवा सकता है। ये देखिए, मैं एक ऐसी चीज़ यूज करती हूँ जो ज़्यादातर सभी घरों में पाई जाती है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र ये होता है। खुद मैंने इसे अपने पौधों पे ट्राई किया है। ट्राई करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है और वाकई एक दिन के बाद ही इसका रिजल्ट देखने को मिल गया है। फर्टिलाइज़र है जो कंडे या उपले की जो राख होती है उसको आपको एक चम्मच लेना है। ये ज़्यादातर सभी घरों में मिल जाएगा। आपको पार्सलिन में डाल देना है, उसके बाद आपको वाटरिंग कर देनी है और जब अगली सुबह आप देखेंगे तो आपके पौधे में अगले दिन बहुत ही ज़्यादा फूल देखने को मिलेंगे। तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, इसे आप डालकर ज़रूर देखिएगा। फर्टिलाइज़र को आप हफ्ते में एक बार अपने पार्सलिन और पोर्टलाका में ज़रूर दें, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको जानकारी बिल्कुल भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।